नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। मैं प्रिया मिश्रा और ये मेरे हस्बैंड आलोक शुक्ला एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। दोस्तों, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने पिछले वीडियो में बहुत सारे लाइक्स दिए और बहुत सारे भर भर के कमेंट्स भी किए, और मोस्टली कमेंट्स का रिप्लाई मैंने कोशिश की है कि मैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे पाऊं, लेकिन कुछ कमेंट्स ऐसे थे जो मुझे लगा कि मुझे इस सेशन में डिस्कस करना चाहिए, तो उन कमेंट्स को मैं आज इस सेशन में लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि हम क्या क्या चर्चाएं आज इस सेशन में करने वाले हैं, तो उसके बारे में आपके सर आपको कुछ समझाएंगे। बिल्कुल बच्चों, सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि पिछले वीडियो में जो आपके कुछ डाउट्स रह गए थे उनको क्लियर करेंगे। थंबनेल आपने देखा होगा कि जो मैडम का विभाग है, टॉप 5 विभाग में पोस्टिंग, जॉब प्रमोशन, जॉब प्रोफाइल क्या है, सैलरी क्या है, लीव क्या है, पब्लिक जो डीलिंग हो सकता है, कैसे इंटरेक्शन होता है, इन सारी चीजों को हम लोग इसमें समझने वाले हैं। बट मैं आपको एक क्लियर वे में बता दूं कि क्या क्या हम लोग इस वीडियो में सही रूप से समझने वाले हैं। ये आपके कमेंट हैं जिनके रिप्लाई जो डायरेक्ट मैम को देना संभव ना हो पाया तो वीडियो के माध्यम से आपको दे रही है। और दूसरा जो हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो प्रिया हम लोग बच्चों को बताएंगे व्यस्ततम 5 विभाग कौन सा है जो सबसे ज्यादा आपकी डिमांड है, कि भाई ये आपको पता चल जाए कि किस विभाग में कार्य कितना ज्यादा है, किस विभाग में जो पब्लिक इंटरेक्शन है वो ज्यादा है, किस विभाग में आराम ज्यादा है, किस विभाग का इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा है, और सबसे बड़ा प्रश्न कि महिलाओं के लिए कौन सा विभाग अच्छा है। इन तमाम चीजों को, क्योंकि प्रिया खुद ही ये उस समस्याओं को समझती हैं एक महिला होने के नाते, कि जो आपको चीजें एक महिला होने के नाते जो प्रॉब्लम फेस होती हैं वो कहीं ना कहीं जो मुझसे शेयर करती रहती हैं, उसके यहाँ पे एक बहुत बढ़िया फिल्टर करके जो लिस्ट लेके आए हैं वो मैं बताने वाला हूँ। बाकी विगत वर्षों के कटऑफ मेरे ख्याल से अगर इस वीडियो में समय मिला तो हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे, अन्यथा हम लोग एक नई वीडियो पे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले प्रिया का विभाग क्या है, इनकी कार्य प्रणाली क्या है, वो सारी चीजें प्रिया आपको बताएंगे। तो प्रिया बच्चों को एक एक चीज बताइए कि कैसा आपका विभाग है और क्या आपके कार्य हैं। जी देखिए, मेरा विभाग का नाम है विशेष भूमि अध्याप्ति कार्यालय, और क्योंकि इस वैकेंसी में भी इसकी कुछ वैकेंसीज हैं, या शायद 39 पोस्ट वगैरह सर कुछ ऐसे ही है ना, तो ऐसे कुछ पद हैं, 39 पद हैं जी। तो आप लोग जब प्रेफरेंस भरेंगे विभागों की, तो उसमें से एक ऑप्शन आपको ये भी ऑप्ट करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज अपने विभाग के बारे में आप लोगों से कुछ डिस्कस कर लेती हूँ। तो जो हमारे विभाग का कार्य है उसमें बेसिकली क्या होता है कि जो फ्लाईओवर्स वगैरह बनते हैं, सपोज जितने भी फ्लाईओवर बन रहे हैं उसके निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहित की जाएगी। जो भूमि अधिग्रहित हो रही है वो किस इंसान की है, कुछ खेतों से, कुछ ऐसे रास्ते होते हैं जो किसानों की भूमि होती है जिसे अधिग्रहित किया जाता है, तो उसका मुआवजा देने का कार्य जो है वो SLO स्पेशल लैंड एक्विजिशन ऑफिस जो है उसके थ्रू किया जाता है। तो उसमें हमारा कार्य क्या होता है कि एक कनिष्ठ सहायक का रोल उसमें क्या होता है, वो प्रक्रिया स्टार्ट होती है कि उसमें कई प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे फॉर्म CC तैयार करना, नक्शा 11 तैयार करना, उसके बाद उनको चेक करना। तो ये जो नक्शा 11 वगैरह तैयार करने की प्रक्रिया है ये कनिष्ठ सहायक के अंडर में अमीन होते हैं। तो अमीन भी दो तरीके के होते हैं, एक संग्रह अमीन होते हैं और एक SLO के अमीन होते हैं। तो जो SLO के अमीन होते हैं वो नक्शा 11 वगैरह तैयार करते हैं, उसके बाद वो चीज़ें हमारे पास आती हैं, जैसे फॉर्म CC है, नक्शा 11 है, वो हमारे पास आती हैं। कनिष्ठ सहायक और वरिष्ठ सहायक जो भी हैं वो उसका परीक्षण करते हैं, उस परीक्षण के उपरांत फाइनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अधिकारी के पास जाते हैं। तो अधिकारी जो है वो आपके बेसिस पर कि आपने सही निरीक्षण किया है उस बेस पर वो उसका परीक्षण करते हैं, और फाइनली किसानों को जिसका भी जमीन का अधिग्रहण किया गया है उसको पेमेंट कर दिया जाता है। तो ये तो हो गया मेरे विभाग का कार्य कि ये एक प्रक्रिया है जो बेसिकली अधिग्रहण के संबंध में जो मुआवजा वगैरह दिया जाता है उसके संबंध में। अब कनिष्ठ सहायक, अगर कोई कनिष्ठ सहायक पोस्ट पर सिलेक्ट होता है तो उसके क्या क्या कार्य हैं, तो देखिए सबसे पहले जो एक कनिष्ठ सहायक को कार्य करना पड़ता है वो अधिष्ठान से संबंधित कार्य करना पड़ता है। अधिष्ठान से संबंधित कार्य में क्या है कि इसमें जितने भी कर्मचारी आपके विभाग में कार्यरत हैं, चाहे वो अमीन हो, चाहे वो कनिष्ठ सहायक हो, चाहे वो फोर्थ क्लास एम्प्लॉई हो, उनकी सारी सर्विस बुक वगैरह को मेंटेन करना, उनकी व्यक्तिगत पत्रावलियों को मेंटेन करना, और समय समय पर उनको जो चिकित्सा व्यय है, चिकित्सा प्रतिपूर्ति वगैरह जो दी जाती है, वो सारी चीज़ें, मतलब जितना भी फाइल से रिलेटेड कर्मचारियों की जितनी भी फाइल वगैरह हैं उनको मेंटेन करने का कार्य अधिष्ठान के अंतर्गत आता है। उसमें भी ऐसा नहीं है कि किसी एक कनिष्ठ सहायक को ही सारा काम दे दिया जाएगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जितने कनिष्ठ सहायक होते हैं उस आधार पर ये चार्ज दे दिया जाता है। इसके अलावा जो मेरा विभाग है उसमें होता क्या है कि जैसे किसी किसान की भूमि जो है अधिग्रहित की गई,
उसमें डाक पत्रावलियों का निस्तारण, जैसे कोई परियोजना चल रही है तो उस परियोजना में पत्राचार होगा कि 3A होगा, 3D होगा, गजट होगा, इन सबकी प्रक्रियाएं होंगी, तो इसके लिए पत्राचार किया जाएगा। वो पत्राचार जब हमारे कार्यालय में आता है तो उनको तैयार करने का कार्य कनिष्ठ सहायक और वरिष्ठ सहायक का होता है। उसके बाद कुछ किसानों को जमीन का मुआवजा नहीं मिल पाता है तो वो शिकायतें वो सब करते हैं, शिकायतें वगैरह, तो उसका निस्तारण, उसकी पत्रावलियां तैयार करना, ये सब कार्य जो है डाक के थ्रू कनिष्ठ सहायक या वरिष्ठ सहायक के द्वारा तैयार किया जाता है। तीसरी चीज नक्शा तैयार करना, नक्शा तैयार करना कि कोई स्कीम यदि चल रही है, कोई फ्लाईओवर गुजर रहा है तो वो किसी परियोजना के तहत ही गुजर रहा होगा, अब उसके वो उसकी प्रगति कहाँ तक हुई, इसका परीक्षण समय समय पर अधिकारी भी करते हैं या शासन भी इसका परीक्षण करता है कि आपके जिले में किसी परियोजना की प्रगति कहाँ पर है। तो वो प्रगति के लिए आपको एक मैप तैयार करना पड़ता है, वो मैप वगैरह तैयार करने का कार्य भी कनिष्ठ सहायक और वरिष्ठ सहायक जो होते हैं उस स्तर पर किया जाता है। इसके अलावा बिल तैयार करने के अंदर क्या आता है, जैसे किसानों को पेमेंट कर दिया गया, अब उनका अकाउंट डिटेल चेक करना, उनका नाम चेक करना, उनका IFSC चेक करना, ये सब पूरा एक चार्ट तैयार किया जाता है और इस माध्यम से उनको पेमेंट किया जाता है बैंक के थ्रू। तो उसमें जो बिल वगैरह पूरी प्रोसेस होती है तैयार करने की, ये कार्य भी कनिष्ठ सहायक ही करता है। इसके अलावा पत्रावलियों का परीक्षण, पत्रावलियों के परीक्षण से मेरा आशय वही है कि जो फॉर्म CC वगैरह तैयार किए जाते हैं उनको चेक करने का कार्य जो है वो कनिष्ठ सहायक और वरिष्ठ सहायक ही करते हैं। जब आप उन पत्रावलियों को चेक कर लेते हैं उसके बाद जो है वो अधिकारी उसे देखता है और फाइनल साइन कर उनका किसानों का पेमेंट कर दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों के कुछ प्रश्न थे, आप लोग ऑफिस टाइमिंग के बारे में जानना चाह रहे थे कि जनरली ऑफिस टाइमिंग क्या रहती है। तो देखिए 10 से 6 की ऑफिस टाइमिंग तो रहती ही रहती है, वैसे ये कहा जाता है कि सरकारी दफ्तरों में 10 से 5 की टाइमिंग है, लेकिन ऐसा नहीं है, 10 से 6 नॉर्मली बज ही जाता है, क्योंकि अगर ये विभाग ऐसा है कि जनरली ये विभाग कलेक्ट्रेट में ही होता है, कहीं कहीं कलेक्ट्रेट के बाहर भी होता है SLO, लेकिन जनरली कलेक्ट्रेट में होता है। तो कलेक्ट्रेट में क्योंकि अधिकारी भी देर रात तक बैठे रहते हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 5 बजे कार्यालय में ताला लगाकर चले गए, तो इसलिए मिनिमम 6 बजे तक तो कार्यालय खुलता ही है, और अगर कभी बहुत ज्यादा काम हुआ तो हो सकता है कार्यालय 9-10 बजे तक भी खुले। तो महिला होने के नाते हम लोगों को जनरली 5-6 बजे तक फ्री कर दिया जाता है। प्रिया, यहाँ पे थोड़ा पूछना चाहूंगा बच्चों के बिहाफ पे कि जैसे महिलाओं को, जैसा आपने बोला कि महिलाओं को जल्दी फ्री कर दिया जाता है, तो क्या जो मेल कैंडिडेट है, जो मेल है अभ्यर्थी, उनको क्या मतलब ज्यादा टाइम तक ऑफिस में बैठना पड़ता है, पहला प्रश्न। और दूसरा आपसे पूछना चाहूंगा बच्चों के भी आप पे, क्या आप लोग अपने उच्च, जो आपके उच्च अधिकारी हैं या किसे आप रिपोर्ट करते हो, जो अभी आप काम करते हो तो किसके अंडर में काम करते हो या आंसरेबल किसके हो, तो ये बच्चों को बता दो आप अपने विभाग में। जी देखिए, जो मेल एम्प्लॉयज हैं उनको महिलाओं के कंपैरिजन में तो ज़्यादा रुकना ही पड़ता है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि अंधेरा हो रहा है, इन सब चीज़ों को लेकर महिलाओं को जल्दी फ्री कर दिया जाता है। 7 बजे से पहले तो कोई भी मेल एम्प्लॉई जो है वो शायद ही जाता हो, मैं अपने कार्यालय की बात बता रही हूँ। हाँ, सारे कार्यालय में नहीं, कुछ हाँ। कार्यालय मतलब कि जो प्रिया का विभाग है उसकी बात कर रहे हैं, आप लोग सारे विभागों की बात नहीं करिएगा जी, क्योंकि कुछ विभाग ऐसे भी हैं जहां पे वाकई में 10 बजे जाओ 4 ही बजे वापस आ जाओ, हाँ। ऐसे भी है, आरामदायक है, जिसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। बाकी प्रिया बता, मैं अपने कार्यालय की बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि हमारा कार्यालय जो है वो कलेक्ट्रेट के अंदर है और कलेक्ट्रेट में मैं बता रही हूं कि अधिकारी ज्यादा से ज्यादा देर रात तक बैठे रहते हैं, इसलिए हम इतनी जल्दी ताला लगा के कार्यालय में नहीं जा सकते हैं, इसलिए मेल एम्प्लॉयज जो हैं वो रुकते ही रुकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ परियोजनाएं चल रही हैं, शासन का बहुत ज्यादा प्रेशर है कि किसानों को पेमेंट जल्दी करवाना है, स्कीम को जल्दी से जल्दी निपटाना है, तो फिर और भी देर हो जाती है, कभी कभी रात का 9 भी बज जाता है मेल एम्प्लॉयज को, तो लेकिन वो कभी कभी की बात है, ऐसा नहीं है कि हमेशा 9 ही बजेगा, जिस तरीके से काम है उस तरीके से छुट्टी मिल जाती है। अच्छा, एक प्रश्न बच्चों के मैंने कमेंट में मैं भी देखा था, कई सारे बोल रहे थे कि कोई ऐसा विभाग बताइए जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, तो आप एक बार बच्चों को बताइए कि राजस्व में जो ऑफिसर्स हैं, जैसे SLO आप बता रही हो,
तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, कुर्सियां कैसे मिलती है, क्या केबिन मिलता है, क्या एसी लगी होती है, जो बच्चे आजकल चाहते हैं मेरे ख्याल से कि एसी भी लगी हो, बढ़िया वो गद्देदार वाली कुर्सियां भी हो, और बढ़िया सा एक टेबल जो जो बोलते हैं पीएसयूज वगैरह में चलते जी हैं, जी कॉर्पोरेट में चलते हैं, वैसा केबिन टाइप में बनाओ, कांच के बिल्कुल वो सब लगे हो, तो ऐसा कुछ होता है आप लोग के विभाग में? नहीं, कलेक्ट्रेट में तो ऐसा नहीं है। कलेक्ट्रेट में तो आप जानते ही हैं, पूरा एक कलेक्ट्रेट होता है, जहाँ पर जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, SDM वगैरह सभी बैठते हैं, तो सबका एक एक केबिन रहता है। उसके अलावा उसी में हम लोगों का भी एक ऑफिस रहता है, उसी ऑफिस में सारे एम्प्लॉयज बैठते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत अच्छी कुर्सियां या फिर बहुत अच्छा सिटिंग अरेंजमेंट होता है। एवरेज, जैसा कि आप जानते ही हैं, सरकारी दफ्तरों में होता है, उसी तरीके का बैठने का तरीका है वहां पर। लेकिन मेरे ख्याल से ये प्रिया के विभाग की बात है, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट भी हैं जहां पे आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो वो कॉर्पोरेट वाला वो है, जैसे मेरे ख्याल से शिक्षा विभाग हो गया, जी स्वास्थ्य विभाग हो गया, जी यहाँ पे जो आप एक्सपेक्ट करते हो कि एसी भी लगी हो, केबिन भी हो, बढ़िया सा वो वाली चेयर हो, रिवॉल्विंग चेयर हो, वो भी मिल रहे हैं, वहां मिलते पर हैं, मिल रहे कई हैं। सारे डिपार्टमेंट हैं, बीमा विभाग हो गया मेरे हाँ, ख्याल सेवा से, योजन हो गया। सेवा योजन हो गया, ऐसे विभाग में जो जिनकी ऑफिसेस नई आजकल बनी है वो वहां पे मिलते हैं। और ऐसा नहीं है, हो सकता है ये जगह जगह की बात है, प्रिया का जो विभाग है जैसे कि जहां पे ये पोस्टिंग है इनकी, वहां पे कलेक्ट्रेट किसी और ढांचे पे बना है, वहां पे ऑफिसर्स पुरानी, हो सकता है कहीं के कलेक्ट्रेट में कुछ इनोवेशन का कार्य हुआ हाँ, बिल्कुल हो हो सकता सकता है है, वहां पे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा हो। लेकिन मोस्टली क्या है कि कलेक्ट्रेट पुराने ही बने हुए हैं, हाँ, तो वो उनका तरीका मोस्टली एक पुराना ही जैसा ही रहता है। है, बट मैटर ऑफ चांस हो सकता है कि अच्छा भी हो सकता है, जी, एग्जैक्टली नहीं बट हो सकता लेकिन है। उससे आई थिंक हम लोगों को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हाँ क्योंकि हाँ हमें जॉब करने के लिए जाना बिल्कुल है, कहीं भी बिल्कुल, एक चेयर मिले, हमें अपने काम से काम होना ये बात चाहिए। जिस प्रकार से आपको एक पद चाहिए किसी तरह के, किसी तरीके से बाकी सबको कंपटीशन में पीछे करते हुए वहां पे अपना चयन लेने के लिए, वैसे ही जब आप लोग सर्विस में आ जाओ तो आपको अपना बहुत आराम नहीं देखना है, जो मेरी तरफ से अगर आपको मैं सुझाव दूं, क्योंकि हर व्यक्ति आराम तो चाहता है, लेकिन आप नौकरी सारा आराम के लिए नहीं कर रहे हो, बट इसका मतलब ये भी नहीं कि मतलब एकदम वो लकड़ी वाली कुर्सी पे बिठा दिया जाए, थोड़ा सा पोस्चर बच्चों का ठीक रहे, स्वास्थ्य भी जरूरी है, बट फिर भी इसको प्रायोरिटी में मत रखिए, समय के साथ जैसे जैसे चीजें अपडेट होती हैं, जरूरी कि आज अगर आप लकड़ी या फीते वाली कुर्सी पर बैठते हो तो 5 साल बाद भी उसे बैठो, हो सकता है ऑफिस मेंटेन हो तो नहीं आपकी नहीं कुर्सी ऐसा बदल भी कुछ रही नहीं है। है, आप लोग जो है आयोग से सिलेक्ट होकर आते हैं, हाँ तो इतनी बुरी स्थिति में आपको नहीं बिठाया जाएगा, उसके लिए बिल्कुल परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। प्रॉपर बिल्कुल चेयर एक आपके लिए अलॉट की जाती है। बिल्कुल। सैलरी प्रमोशन और इंक्रीमेंट के बारे में जी देखिए, सैलरी प्रमोशन के बारे में मैंने शॉर्ट में पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि 21,700 हमारा मूल वेतन होता है, और जितना भी डीए सरकार रखती है, जैसे इस समय 50% डीए हो चुका है, उस आधार पर और HRA प्लस होकर हमारी सैलरी बनती है। लेकिन उस सैलरी में कनिष्ठ सहायक से लेकर वरिष्ठ सहायक तक का जो सफर है, क्या हमारा 21,700 ही मूल वेतन रहता है? और वरिष्ठ सहायक होने पर जो 2800 ग्रेड पे होता है, उसके बाद हमारी सैलरी कितनी बनती है? तो इन सब चीजों पर मैं आपको एक चार्ट के थ्रू पूरा डिस्कस करूंगी कि जो इंक्रीमेंट होता है, वार्षिक इंक्रीमेंट, वो किस आधार पर लगता है। तो अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे इस बारे में हाँ भाई, डिटेल चर्चा चाहते हो कि करूंगी। इस टॉपिक पे डिटेल में वीडियो बने तो कमेंट करके मैडम को बताना पड़ेगा, मैडम से जी रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, ये मेरी भी बात नहीं मानती है तो आपकी भी इतनी आसानी से कैसे मान लेंगी जी क्योंकि इस तो वीडियो में काफी कुछ डिस्कस करने हाँ को है, टाइम और भी ज्यादा जा रहा हाँ, है। वीडियो काफी एग्जैक्टली लंबा हो जाएगा। एग्जैक्टली ठीक है भैया, हम लोग नेक्स्ट मुद्दे पे आते हैं, जैसे बच्चों के कुछ कमेंट थे, और कमेंट के माध्यम से जो ये चार्ट है आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये मैंने टॉप 5 का लिस्टिंग आपके लिए बनाया है, बहुत मेहनत करके, बहुत रिसर्च करके आपके लिए मैं लेके आया हूँ, तमाम जो हमारे स्टूडेंट रहे हैं तमाम विभागों में, प्रिया के जो साथी हैं अलग अलग विभागों में, उनके मदद से ये पूरा चार्ट बनाया गया है, और इसको आप अभी स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको इसे समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले जो कमेंट है जो बच्चों के, जो मेनली बच्चे अपने जवाब चाहते हैं वो प्रिया एक एक बच्चों का यहाँ पे बताएंगी, और वो क्या है, पहला प्रश्न मैं पढ़ देता हूँ, बच्चे का कमेंट क्या है आप जवाब दीजिएगा प्रिया। एक बच्चा कह रहा है, संदीप कुमार नाम का है, कि मैम विभाग नंबर आने के बाद चुना जाता है या हमारे नंबर के अकॉर्डिंग अपने आप मिलता है? मेरे ख्याल से वो जो प्रेफरेंस की बात करना चाह रहा है बच्चा, तो थोड़ा सा आप इसके बारे में बच्चों को गाइड करिए। देखिए, जैसे हम लोगों के में मैंने आपको बताया था कि इंटरव्यू होता था 2016 में, तो जब हम इंटरव्यू देने के लिए जाते थे उस समय विभाग की प्रेफरेंस हमसे पूछी जाती थी। लेकिन क्योंकि अब इंटरव्यू समाप्त हो चुका है, तो अब जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस समय आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, वो साइट पर अवेलेबल हो जाएगा। उसमें जितने भी विभाग होंगे, सपोज इस वैकेंसी में 1 से लेके 15 तक विभाग हैं, तो आपको केवल फर्स्ट प्रेफरेंस ही चूज नहीं करनी है, आपको 1 से लेके बताते रहिए, विभाग में दिखा उन दे 15 विभागों में
एक से लेके 15 तक आपको उन्हें रैंकिंग देनी होगी। और विभाग आपको किस आधार पर मिलेगा? ये सारे वो विभाग हैं जो प्रिया कहना चाह रही है, और बहुत विभाग हैं। अगर लिस्टिंग के हिसाब से जाओगे तो 47 या 41 शायद पहले लिस्ट में थी, और बाद में जो वैकेंसी बढ़ी थी उसमें भी बाद में 41 यहाँ पे थी जब कुल पद 3831 था, और उसके बाद दूसरी भी लिस्ट आई थी जब 1.5 ये बढ़ा था, इसमें भी जब जैसे शिक्षा विभाग, स्टाफ रजिस्ट्रेशन विभाग, और जो ये प्रिया का विभाग है SLAO वाला, भूमि अध्याप्ति वाला, है ना, ये सारे जब इसमें जुड़े हैं तो ये भी कुल मिला के लगभग 19 विभाग और जुड़े। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो कम से कम ये 50 की लिस्टिंग, 50 क्या 41 और 20 अगर देखा जाए तो ये 60 की लिस्टिंग है लगभग। तो 60 की लिस्टिंग में अगर म्यूचुअल भी देख लिया जाए तो 30 से ज्यादा विभागों के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है। तो वो आपका प्रेफरेंस फॉर्म आएगा जैसा प्रिया कह रही है, और वो फॉर्म आपको DV के टाइम भरना रहेगा कि आप कौन सा विभाग चाहते हो। तो यहाँ पे थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा जो प्रिया आपको बताना चाह रही है। जी, तो जैसे ये 1 से 50 तक विभाग हैं, तो आपको हर विभाग को एक एक नंबरिंग देनी होगी। ऐसा नहीं है कि आप टॉप 3 प्रेफरेंस चूज कर लेंगे। उस आधार पर अगर आपने जैसे सपोज पहले नंबर पर आपने स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग को रखा, अब ये जरूरी तो नहीं है कि आपकी ही पहली च्वाइस ये हो, ऐसे कई स्टूडेंट्स होंगे जिनकी पहली च्वाइस यही होगी। अब इसमें ये देखा जाएगा कि नंबर कितने ज्यादा है, तो जिसके नंबर ज्यादा होंगे नंबर ऑफ वैकेंसीज के अकॉर्डिंग पहले उसे प्रेफरेंस दी जाएगी। अब सपोज आपने ये विभाग पहले नंबर पर चूज किया था और आपको आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग पहला विभाग नहीं मिल पाया, तो आप देखा जाएगा कि आपने दूसरे नंबर पर किस विभाग को चूज किया है, उसके बाद उसमें टैली किया जाएगा कि आपसे ज्यादा नंबर पाने वाले स्टूडेंट्स तो कहीं नहीं है। इस आधार पर अगर आपके नंबर जो है इस विभाग के अकॉर्डिंग होंगे तो आपको ये मिल जाएगा। इस आधार पर प्रक्रिया चलती रहेगी 50 विभाग तक। तो ये जरूरी नहीं है कि सपोज आपने पहले दूसरे तीसरे नंबर पर किसी विभाग को ऑप्ट कर दिया है तो वही विभाग आपको मिल ही जाएगा। हाँ। हो सकता है कि अगर आपके नंबर बहुत अच्छे हैं तो वही विभाग आपको मिल भी जाए। हाँ। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि विभाग को जो चुनने का काम है वो बहुत सावधानी से करिएगा, क्योंकि कई बार होता है कि आपने पहली बार जो विभाग चूज किया है वही आपको मिल जाए। जैसे मेरे साथ भी यही हुआ था कि मेरी वैकेंसी में तो केवल 7 वैकेंसीज ही थी रेवेन्यू की, और साथ में पहले नंबर पर मेरा जो है वो नंबर आया था, और मैंने राजस्व विभाग को पहले नंबर पर चूज किया था और मुझे राजस्व ही मिल गया था। हाँ, तो वही प्रिया कहना चाह रही है कि जैसे क्या है कि अब ये अपने पूरे जितने भी 7 लोगों में रहे हो तो ये टॉपर रही होंगी। जैसे इनका 100 में मेरे ख्याल से 84 या 85 नंबर आपका रहा होगा, 79 कट ऑफ ही गई थी, और महिला संवर्ग भी जनरल में ही इंडियन वैकेंसी में क्या कहते थे सम्मिलित कर दिए गए थे, तो 79 कट ऑफ ही गया था लगभग। इनका 83-84 नंबर जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, 83-84 नंबर इनका रहा होगा, 83-84 नंबर। अब क्योंकि ये अपने संवर्ग में तो टॉपर ही थी तो इन्होंने राजस्व फिल कर दिया था। अच्छा, उस समय जैसा बता रही है कि राजस्व ही सबसे ज्यादा डिमांडिंग था, तो उस हिसाब से हर व्यक्ति में क्या होता है कि वही भरता है जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग होता है। बट आप ये नहीं सोच पाते हो कि आपके लिए वो कितना ज्यादा बेटर है, क्या जो हाईएस्ट डिमांडिंग है वो आपके लिए बेटर है कि नहीं। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप लोग विभाग का जो प्रेफरेंस है वो बहुत सावधानी से बरतिएगा, वरना नंबर ज्यादा होने के चलते अगर आपको इन्हें गलत विभाग भी ऊपर डाल दिया तो वही आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपका नंबर ज्यादा है, आपकी प्रेफरेंस वो है, तो आपको वो पहले ही मिल जाएगा, फिर आप बाद में कोई नहीं मिलेगा। तो ये चुनाव बहुत अच्छा करेगा। हालांकि कई बार लैक ऑफ नॉलेज की वजह से भी विभाग जो है वो गलत हो जाता है, तो इसके लिए तो आप गाइड कर देंगे, या बच्चों को जो आपके साथ दिक्कत हुई है, या आप अगर मानती हो ऐसा तो आप बच्चों के साथ ना होने दीजिएगा, समय समय पे आके बच्चों को प्रेफरेंस वाला फॉर्म भरवा देंगी प्रिया, आपको उसके लिए दिक्कत नहीं है। आते हैं हम लोग दूसरे कमेंट पे, और दूसरा कमेंट बच्चे का क्या कह रहा है इस पे थोड़ा सा जल्दी जल्दी चर्चा कर लेते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी और फिर बच्चों को थोड़ा देखने में भी समस्या होगी। बहुत सारी बातें हैं, जल्दी जल्दी हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन है, मैम अलग अलग डिपार्टमेंट तो होता है बट ये बताइएगा पोस्टिंग कहाँ कहाँ होती है, विलेज में होती है, ब्लॉक में होती है, डिस्ट्रिक्ट में होती है, जनपद स्तर पर, या सेक्रेटरिएट में होती है। अब सेक्रेटरिएट मतलब भी मेरे ख्याल से ये कलेक्ट्रेट ही जानना चाह रहा है, या फिर हो सकता है सचिवालय में जानना चाह रहा हो। तो सचिवालय में मेरे ख्याल से कनिष्ठ सहायक के पद तो ऐसे ही नहीं जाते हैं, या है कोई कनिष्ठ सहायक के पद जाते हैं ऐसे? अच्छा। भी जाते हैं, लेकिन कई बार ये जो आपका विभाग है हाँ। या मुख्यालय है उस पर डिपेंड करता है कि वो आपको ज्वाइनिंग कहाँ पर देगा। हाँ। कि वो आपको मुख्यालय स्तर पर भी हो सकती है, कई बार हमें ये कंफर्म नहीं होता है, जहाँ कहीं पर निदेशालय लिखा होता है हम समझ लेते हैं कि वो हेड ऑफिस की पोस्ट है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो जनपद स्तर की पोस्ट होती है। आप बताइए, मैं दिखा दूं तब तक बच्चों को, बताते रहिए। तो ये कई बार डिपेंड करता है आपकी जो परिषद है, आपका जो मुख्यालय है, उस पर कि आपको किस आधार पर कहां पर पोस्टिंग दी जाएगी। हाँ, ये है कि कहीं आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज किसी विभाग में बहुत ज्यादा होती हैं
तो वो पॉसिबिलिटीज रहती हैं कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाए। लेकिन कई बार जो आपके अध्यक्ष हैं, आपके विभाग के आपके चेयरमैन हैं, उनके ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे हम लोगों में 7 लोगों का सिलेक्शन हुआ था राजस्व विभाग में, लेकिन 7ों में से किसी को भी होम डिस्ट्रिक्ट अलॉट नहीं किया गया, जबकि हमारे जिले में पद खाली थे, अलॉट किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया। तो ये भी आपके जो मेन चेयरमैन वगैरह हैं उन पर भी डिपेंड करेगा कि आपको किस आधार पर, जो निदेशक है उन पर डिपेंड करता है कि उनका मूड कैसा है। वैकेंसीज होते हुए भी अगर वो चाहते हैं कि आपको दूर दूर भेजना है तो वो किस प्रकार के व्यक्ति हैं, उनका व्यक्तित्व तो कैसा है, उनकी सोच क्या है, उस पर भी निर्भर करता है। मैटर ऑफ चांस है कि आपको जनपद मिल रहा है, कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल रहा है, कि आपको कहीं दूर भेजा जा रहा है, कि आपको कहाँ पे पोस्टिंग ली जा रही है। और कई बार ये भी होता है कि कहीं कहीं नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज्यादा खाली होती है, क्योंकि समय समय पर सूचनाएं जाती रहती है कि इस जिले में कर्मचारियों की कमी है, तो उस आधार पर भी जो है वो जो अध्यक्ष है वो अलॉटमेंट करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि तो मूड से ही करते हैं, तब भी मजबूरी में भी करते हैं। या आप कुछ निदेशालय वाला डिस्कस कर रहे थे, बच्चों को बता दीजिए। जी, मैं यही बता रही थी कि कई बार ऐसा लिखा होता है निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ, तो हम ये लखनऊ पढ़ के समझ लेते हैं कि ये पोस्टिंग तो लखनऊ में ही होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये पोस्ट भी जिलों की होती है और ये जिले में भी पोस्टिंग दी जाती है, तो यहाँ आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। बिल्कुल, चलिए दूसरे प्रश्न पे आते हैं हम लोग। बच्चों के कुछ और भी कमेंट्स यहाँ पे ले लेते हैं, जल्दी जल्दी इनको भी करने का प्रयास करते हैं। ये कुछ बच्चा पूछ रहा है कि सर ज्वाइनिंग अपने डिस्ट्रिक्ट में मिल जाती है। थैंक यू मैम, ये तो सेम हो गया। राजस्व विभाग में पोस्टिंग होम डिस्ट्रिक्ट में मिल जाती है का ये भी जवाब दे दिया प्रिया ने। मैम सबसे अच्छा डिपार्टमेंट कौन सा है इसमें, जिसमें की थोड़ा पावर फील हो डिपार्टमेंट वाइज, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए वैसे तो डिपार्टमेंट सभी अच्छे हैं, लेकिन अब डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं, आप पावर चाहते हैं या आराम चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो ये चाहते हैं कि नौकरी कटे, सुकून से कटे, उनको होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाए, ज्यादा वर्कलोड ना रहे। तो जहां पर वर्कलोड होगा, जहां पर पावर होगी वहां पर वर्कलोड होगा ही होगा। तो कुछ ऐसे विभाग हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अभी मैं इसे मैं बता देता हूं। एक कमेंट सेम ऐसा ये भी है, I want a peaceful life, कौन सा डिपार्टमेंट बेस्ट होगा मेरे लिए जहां इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा हो। तो वैसे प्रिया कह रहे हैं कि कुछ बच्चों की सोच होती है कि हम स्मूथली लाइफ जिए, आराम से जिए, हमें काम ज्यादा ना करना हो। कुछ बच्चे चाहते हैं कि काम हमसे कितना भी करवा लो लेकिन हमें पब्लिक इंटरेक्शन मिल जाए, बस उनके ये होता है कि जितना ज्यादा पब्लिक हमसे इंटरेक्ट करेगी हमारी जॉब समझ लो उतना ही अच्छी है। तो दोनों टाइप के लोग होते हैं कि एक तरफ पब्लिक इंटरेक्शन चाहते हैं क्योंकि वो सरकारी नौकरी का फायदा लेना चाहते हैं, और एक जो होते हैं एक हमें आराम की जॉब मिले, हमारा लाइफ अच्छा हो, अपने परिवार के साथ रह पाए, परिवार को टाइम दे पाए। तो दोनों टाइप का, तो ये बच्चा इंफ्रास्ट्रक्चर और पीसफुल लाइफ चाह रहा है, और ये बच्चा सबसे अच्छा डिपार्टमेंट कौन सा है जिसमें थोड़ा पावर फील हो, डिपार्टमेंट वाइज पावर जो बोलते ना कि थोड़ा गट्स लगे, थोड़ा ग्रेविटी है वो वाला। तो दोनों ही कमेंट एक साथ है, इनको हम लोग थोड़ा सा पहले इसके माध्यम से कर देते हैं, फिर बाकी बच्चों को कमेंट भी देखते हैं। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है और जल्दी से आके मैं इसको डिस्कस कर देता हूं कि जो हम लोग यहां पे अभी आपके लिए बहुत रिसर्च के बाद एक लिस्टिंग बनाए हैं, कहां गया वो, और उस लिस्टिंग के बिहाफ पे ये, ठीक है, कौन सा आपका विभाग सबसे बढ़िया है। तो ये मैंने एक टॉप 5 का लिस्ट बनाया है, आप इसे देख सकते हो, ये 1, 2, 3, 4, 5, ये वाला जो विभाग मैंने बताया है ये व्यस्ततम है, मतलब यहां पे कार्य सबसे ज्यादा है, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे पब्लिक इंटरेक्शन का फुल चांस है, मतलब यहाँ पे जो पब्लिक होगी जो वो आपसे आके सीधा इंटरेक्ट करेगी, उनके काम सीधा आपसे पढ़ते रहेंगे। मेरे ख्याल से आप चीज समझ पा रहे होंगे जो मैं कहना चाहता हूं। तो व्यस्ततम है राजस्व विभाग जिसमें प्रिया है, ये सबसे व्यस्त विभाग माना जाता है। राजस्व ना कभी हल्का हुआ था और आजीवन काल ना कभी इस विभाग में काम कम होगा। यही ऐसा विभाग है जिसमें डीएम, एसडीएम, तहसीलदार सब हमेशा सर पे होते हैं, सब हमेशा साथ में होते हैं, सब हमेशा क्या होते हैं, काम का प्रेशर ऑलवेज फील करोगे इस विभाग में। इसमें भी जनपद स्तर पे भी होता है, इसमें मंडला युक्त जो मंडल स्तर पे भी होता है जिसमें अधिष्ठान वाला इस बार भी पद आया हुआ है, और इसमें जो प्रिया का विभाग है SLAO स्टेट लैंड एक्विजिशन जो डिपार्टमेंट बोला जाता है, जैसे भूमि अध्याप्त या भूमि अधिग्रहण बोल सकते हो, ये विभाग होता है। तो ये जो प्रिया वाला है, तो ये तीनों ही इसमें कवर होते हैं। परिवहन में जैसे आप लोग क्या बोलते हो, जो ये होते हैं बोल सकते हो कि जो गाड़ी लाइसेंस वगैरह जो होते हैं, ठीक है, यहाँ पे RTO वगैरह, ये परिवहन विभाग में आता है। स्टाम्प रजिस्ट्रेशन में जैसे आप जमीनों का रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है, एग्रीमेंट वगैरह होता है, रजिस्ट्री होती है, ठीक है, यहाँ पे जो बोल सकते हो दाखिल खारिज टाइप में होता है, वो सारी चीजें स्टाम्प रजिस्ट्रेशन में होता है। ये जनरली न्यायालय से जुड़े होते हैं, जैसे राजस्व विभाग कहीं भी देखोगे तो जनरली क्या होता है, तहसील स्तर पे या फिर कलेक्ट्रेट स्तर पे इनकी जो ऑफिसेस होती हैं ये तहसील स्तर पे होंगी या फिर कलेक्ट्रेट, जैसे इनका जो डिपार्टमेंट है SLAO, ये आपको हर जगह कलेक्ट्रेट से अटैच मिलेगा।
और ऐसे ही अगर मैं जनरल की बात करूं जो तहसील वाली है वो आपको तहसील से कनेक्टेड मिलेंगी, और ऐसे स्टाम्प रजिस्ट्रेशन है ये आपको न्यायालय से, जहां पे होंगे ये न्यायालय जहां पे होंगे वहां से संबंधित होगा। परिवहन आरटीओ की ऑफिसेस अलग अलग भी होती है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। स्वास्थ्य में कई सारे पैरामीटर है, जैसे स्वास्थ्य में ऐसा भी हो सकता है कि आपका मेडिकल कॉलेज टाइप पे कोई हो या फिर कोई जनरल हॉस्पिटल हो, कोई सरकारी एडेड भी ऐसे हॉस्पिटल होते वहां पे भी हो सकता है। कई बार स्वास्थ्य में निदेशालय, जैसे स्वास्थ्य के बारे में आप ज्यादा मुख्यालय आप थोड़ा बताइए, मुख्यालय लखनऊ में है वहां पर भी आपको अटैच किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो आप कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह का क्या रोल है, तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, स्वास्थ्य विभाग में इंफ्रास्ट्रक्चर आपको अच्छा मिलेगा। क्योंकि मेरे साथ के कई जो फ्रेंड्स हैं वो इसमें बैठे हुए हैं सिलेक्ट होकर, तो वो उनको अलग एक केबिन दिया गया है, बैठने का है, इंतजाम है, और इतना भी आराम है कि अगर आप जॉब के साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई भी कंटिन्यू रहे, तो आप अगर किसी मेडिकल कॉलेज वगैरह में लगाए जाते हैं, अटैच किए जाते हैं, तो आप पढ़ाई को भी कंटिन्यू रख सकते हैं। और मेरे ख्याल से प्रिया ये जैसे जिला अस्पताल होते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, इस पे सीएमओ ऑफिस वगैरह में भी, तो स्वास्थ्य विभाग में जाके बच्चे बैठते होंगे ना, वहाँ पे मिलती होगी पोस्टिंग, तो यहाँ पे भी आपका क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट जो हॉस्पिटल होते हैं, जिला जो अस्पताल होते हैं, वहां पे भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है जिसमें सीएमओ ऑफिस के अंतर्गत आप बैठ सकते हो। और इसीलिए मैंने बोला बेस्टतम, क्योंकि अक्सर लोग आते हैं, आप ही लोग सेलेक्ट हो गए तो अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने जाओगे, तो ऐसे आपको क्या होगा, स्वास्थ्य विभाग में किसी बाबू से ही अपना ये करवाना पड़ेगा, बिना इनके जरूरत के साथ आप आगे ना बढ़ पाओ। अब ये डिपेंड करेगा कि स्वास्थ्य विभाग में इनको भेजा कहां जाता है। हाँ, ये डिपेंड करेगा कि आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जा रहे हो या मेडिकल कॉलेज में जा रहे हो या फिर मुख्यालय स्तर पे जा रहे हो या कहीं और भी जो एडेड हॉस्पिटल होते हैं उनमें जा रहे हो। एक पांचवा है व्यस्ततम निर्वाचन विभाग, ये भी कभी खाली नहीं रहता, इस समय चुनाव का माहौल है, इस समय जितने इंप्लॉइज होते हैं निर्वाचन विभाग में, अगर प्रिया थोड़ा सा इधर आ जाइए ताकि बच्चे देख ले, निर्वाचन विभाग में जैसे अभी देखा जाए तो इस समय भी इंप्लॉइज 8 बजे 9 बजे अपने घर जाना होता है, और इस समय तो चुनाव लगा ही हुआ है तो सबसे ज्यादा व्यस्त का समय यही होता है। लेकिन चुनाव देखो हर साल कोई ना कोई चुनाव लगा होता है, कभी लोकसभा कभी राज्यसभा, कभी वैसे ही चुनाव होते रहते हैं, कभी क्या होता है प्रधानी का चुनाव होता है, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं निर्वाचन विभाग में हमेशा व्यक्ति क्या होता है बिजी रहता है। आप ऐसे भी सोच लो कि जब जिस समय चुनाव होता है लगभग सारे सरकारी विभाग के लोग होते हैं उनको अपनी ड्यूटी से इस विभाग में लगा दिया जाता है, इनके कार्य सौंप दिए जाते हैं, निर्वाचन के कार्य सौंप दिए जाते हैं, हर जगह ड्यूटी लगाई जाती है, तो यहाँ के जो इंप्लॉइज होंगे उनके ऊपर कितना लोड होता होगा ये आप थोड़ा सा सोच सकते हो। तो ये टॉप 5 विभाग है जिसमें आप प्रायोरिटी वाइज अगर चाहते हो कि आप ज्यादा से ज्यादा व्यस्त रहो, ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा कर पाओ, तो आपके लिए कौन सा है ये। अगर आप चाहते हो कि चलो ठीक है थोड़ा कम रश रहे, थोड़ा कम लोगों से मिलना हो, भले ही क्या हो, भले ही हमें थोड़ा आराम मिले, भले से लोगों से मिलना हमारा थोड़ा कम हो, इस सोच के हो, तो आपके लिए शिक्षा विभाग बहुत अच्छा है। यहाँ पे आप डायट वगैरह में भी पोस्टिंग मिल सकती है शिक्षा विभाग में, जैसे माध्यमिक परिषद में भी इसमें मिल सकता है। उसके बाद बाल विकास एवं पुष्टाहारी महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छा पद है, महिलाओं वाले में सबसे ऊपर मैंने रखा है, ठीक है। अभी हाल में मुख्य सेविका की भर्ती हुई थी, ये कनिष्ठ सहायक के ऊपर ही मुख्य सेविका जो ग्रेड पे आएगा उनके ऊपर ही आएंगे, तो आप लोग मुख्य सेविका के अंदर भी जाओगे, महिलाओं के लिए तो बहुत ही अच्छी जॉब है ये। सिंचाई विभाग, यहाँ पे भी एक समय होता था सिंचाई विभाग में बहुत काम होता था, नहर परियोजनाएं जब चलती थी, अब क्या है सिंचाई विभाग में काम कम है, तो काम कम है लेकिन अभी भी लोगों से इंटरेक्शन है, तो इसलिए मैं मॉडरेट इसमें रखा हूं। और बाकी ये ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, ये ऐसा विभाग है जिसके सारे विभाग से काम लगता है। आप बोलो राजस्व के हो, आप ग्रामीण विकास से संबंधित हो, आप शिक्षा से हो, आप स्वास्थ्य से हो, आप किसी भी विभाग के लोग हैं, जैसे जो भी मान लीजिए कि कहीं पे कोई बिल्डिंग नहीं बननी है, कोई नया हॉस्पिटल बनना है, किसी गांव में मान के चलो कोई शौचालय बनना है, हर उसकी डिजाइन हुआ कुछ भी हुआ तो आपको यहाँ से पास कराना होता है, तो यहाँ पे जैसे टेंडर निकलते रहते हैं तो ठेकेदार लोगों से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है इस वाले विभाग से, तो इस कारण से ये क्या है थोड़ा कम इंटरेक्शन है, कम मेहनत है, लेकिन एक मॉडरेट है, इससे कम मेहनत और इससे कम इंटरेक्शन, लेकिन इन सबसे ज्यादा मेहनत, इनसे ज्यादा इंटरेक्शन है इन विभाग में। तो आप टॉप 5 ये देख सकते हो जो आपकी लिस्टिंग उसके हिसाब से, बाकी पीडब्ल्यूडी भी है और बीमा भी है, सेवा नियोजन भी है, तो बहुत सारे हैं जो आप में वैकेंसी नहीं आई है, इसलिए मैं उसका जिक्र यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, और भी बहुत सारे छोड़ दो, मैं टॉप 5 की प्रायोरिटी बता रहा हूँ। ये है आरामदायक जो मैं ग्रीन से दिखा रहा हूँ, ये अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय है, यहाँ पे आप जाओगे, टाइमिंग होता है सुबह जाओगे 3-4 बजे आप वापस आ जाओगे, फिर कोई पूछने वाला नहीं, कोई जांचने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं, केवल आप बढ़िया अपनी सैलरी उठाते रहो, और आप वहां पे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा होगा, हाई टेक्नोलॉजी आपको सारी चीजें में ऑफिस मिलेंगी, कंप्यूटर लैपटॉप आपको मिलेंगे, वाईफाई कनेक्टेड पूरा वो मिलेगा, ठीक है। तो बहुत मॉडर्न इनके क्या होते हैं ऑफिसेस होते हैं, शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहां पे आपको मॉडर्न ऑफिसेस मिलेंगी, यहाँ पे कुर्सी उसी सब कुछ बहुत अच्छा मिलेगा, एसी उसी में बैठने मिलेगा। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय है, राजर्षि टंडन विश्वविद्यालय है, ऐसे कुछ स्कूल इस तरह होते हैं, पॉलिटेक्निक वगैरह होते हैं, वहां पे आपको मिलेगा। संस्कृति विभाग है, कुछ ऐसे विभाग भी है जहां पे आपको ऐसे देखने को मिलते हैं। लेकिन
एक पॉइंट और कि ये जो यूनिवर्सिटीज या विश्वविद्यालय की जो पोस्ट आती है यहाँ पे ट्रांसफर की जो पॉसिबिलिटीज है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। आप एक ही जगह, मतलब आप अभी जॉब लिए तो आपको आजीवन वहीं पे रहना होता है, मतलब रिटायरमेंट जहां पे आप ज्वाइनिंग होगी केस सही होता है कि रिटायरमेंट भी आपका वहीं पे होगा, क्योंकि इनकी कोई ब्रांचेज नहीं होती हैं, ये वही है। जैसे शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय लखनऊ में ही है, मोहन रोड पे मेरे ख्याल से, अटल बिहारी वाजपेयी ये भी लखनऊ में, ये भी आपको लखनऊ में मिलेगा, राजर्षि टंडन बरेली में था मुझे ध्यान नहीं है, तो राजर्षि टंडन भी आपका ये लखनऊ में तो नहीं है, तो यहाँ पे भी आप एक ही जगह रह जाएंगे। जननायक चंद्रशेखर है ये भी आप क्या है, ये भी आपका एक ही जगह पोस्टिंग रह जाएगी। तो संस्कृति विभाग में अलग अलग हो सकता है, बट इन चार में जो यूनिवर्सिटीज हैं या पॉलिटेक्निक है जो कॉलेजेस हैं वहां पे आपको जहां पे ज्वाइनिंग लेंगे वहीं पे आपको क्या होगा रिटायरमेंट को मिलेगा। बाकी महिलाओं के लिए जो टॉप 5 विभाग है, बाल विकास पुष्टाहार, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग और महिला कल्याण, ये आप देख सकते हो। तो उम्मीद है कि इससे आप लोग अच्छे से समझे होंगे। बाकी आते हैं कुछ कमेंट्स हम लोग जल्दी जल्दी और लेते हैं, फिर इस वीडियो को हम लोग एंड की तरफ ले चलते हैं। और आप अगर कोर्स से जुड़ना चाहते हो तो कोर्स से भी जुड़ सकते हो, हालांकि पहले आप बच्चों को ये बता दीजिए। ये कह रहे हैं कि सर एग्जाम के कितने दिन बाद टाइपिंग होती है, मतलब एग्जाम के बाद कितना टाइम मिल जाता है, एक ओवरव्यू दे दीजिए जल्दी से। देखिए टाइपिंग के लिए कोई डिसाइडेड डेट हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी है। इससे पहले भी 2016 और 2019 वाली जो टाइपिंग हुई थी उसके दो बार एडमिट कार्ड आए, दो बार कैंसिल हो गई, फिर दोबारा से एडमिट कार्ड आया, दोबारा के उसमें टाइपिंग हुई। तो जो 19 वाली टाइपिंग है उसमें भी 6-7 महीने आराम से मिल गए थे। 2016 वाले में तो कोविड का टाइम था तो काफी टाइम मिल गया था, लेकिन मिनिमम आप मान के चलिए कि अगर बहुत जल्दी भी किया जाता है तो 3 महीने से पहले तो आपकी टाइपिंग नहीं हो पाएगी। और बाकी जो है वो यूपी ट्रिपल एससी की कार्य प्रणाली पर डिपेंड करेगा। इसीलिए पिछली बार की वीडियो में मैंने आपसे बोला था कि मिनिमम आप ये सोच के चलिए कि अगर आपको टाइपिंग नहीं आती है तो 3 महीने अगर आप पूरी मेहनत के साथ लग जाते हैं तो टाइपिंग को सीख सकते हैं। बिल्कुल। बाकी टाइपिंग पे बच्चों के कमेंट भी बहुत आया है प्रिया, तो आप कोशिश करिएगा एक वीडियो अलग से बना दो, लेकिन इसके लिए आपको कमेंट करना होगा, मैम के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि हाँ मैम एक वीडियो बना दीजिए ताकि टाइपिंग की छोटी जो डिटेल एक अलग से। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं एक फुल वीडियो टाइपिंग पर लेकर जरूर आऊंगा। बिल्कुल, मेरे बोलने पर नहीं मानती, आपके बोलने पर शायद मान जाए। एक क्वेश्चन यहाँ पे है बच्चे का, लेखपाल और जूनियर असिस्टेंट में कौन सी बेस्ट है, ये थोड़ा सा 2 मिनट में थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए। एक मिनट में देखिए, लेखपाल और जूनियर असिस्टेंट में कौन सी बेस्ट है ये कहना तो उतना क्लियरली मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके की जॉब चाहते हैं। हाँ। लेखपाल जो है वो फील्ड वर्क है और जो जूनियर असिस्टेंट है वो ऑफिस वर्क है। तो आप क्या चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आप 10 से 6 की बैठकर एक जगह नौकरी करें तो आप जूनियर असिस्टेंट को चूज कर सकते हैं। और अगर आप फील्ड वर्क चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप गांव-गांव के लोगों से मिले, जनता से मिले, उनसे इंटरेक्ट करें, तो आप लेखपाल की वैकेंसी को चूज कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके की जॉब चाहते हैं। ग्रेड पे और सैलरी तो दोनों की सैलरी ग्रेड पे दोनों सेम है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड। हाँ, ये बात अलग है कि बहुत सारे लेखपाल जो होते हैं वो कनिष्ठ सहायक जो बाबू होते हैं उनको रिपोर्ट करते हैं, उनसे अक्सर काम लगते रहते हैं। ये बहुत कम होता है कि कनिष्ठ सहायक का काम लेखपाल से लगे, लेकिन लेखपाल का काम अक्सर क्या होता है कनिष्ठ सहायक से लगता रहता है। खासकर ये केवल, क्योंकि लेखपाल राजस्व से संबंधित है, तो बाकी विभाग वाले कंपेयर ना करें, ये केवल राजस्व वाले कंपेयर करें जिन्हें राजस्व में जाना है, क्योंकि लेखपाल राजस्व के अंतर्गत आता है, लेखपाल और किसी विभाग के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। बाकी मैम होम डिस्ट्रिक्ट मिलने के कितने परसेंटेज, ये मैटर ऑफ चांस है, इसका तो मैं ही बता दूं कि मैंने बता ही दिया है कि किस प्रकार से होता है। ये बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है, जरूरी नहीं है, ऐसा भी नहीं कि ना मिले और ऐसा भी कि मिल ही जाए, ऐसा कोई 100% कोई रूल नहीं है, है ना, कि कोई फॉर्मूला हो इसका। जैसे इस बार लेखपालों की लिस्ट आई थी उस पर आयोग ने खुद ही बोल दिया कि जितनी भी महिलाएं हैं या दिव्यांग हैं उनको होम डिस्ट्रिक्ट दे दिया जाए, या फिर वो जो चाहती हैं उनकी जो प्रेफरेंस है वो दे दिया जाए। तो कई बार जो है वो नंबर ऑफ वैकेंसीज पर, कई बार आयोग पर ये डिपेंड करता है कि वो क्या और कैसे अलॉटमेंट। भाई लक बाई चांस मैटर ऑफ चांस है। एक प्रश्न, एक बच्चा है बहुत अपनेपन से मेरे ख्याल से बोला है, भाभी जी मैंने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, मुझे टाइपिंग के बारे में बताएं, मैं इंग्लिश में 38 वर्ड पर मिनट है, मैंने हिंदी की कृतिदेव पर ही की है जिससे मेरी 20 वर्ड पर मिनट थी, और मैं किस फॉन्ट पर हिंदी टाइपिंग करूं, बट मैं अभी रेलवे में लेवल 1 पर सिलेक्टेड हूं, इसकी तैयारी करूं या फिर सही करूं या फिर सही है, प्लीज बताना जरूर। बच्चा ये कहना चाह रहा है कि वो ग्रुप 2 पे अभी पोस्टेड है, वो जब इंग्लिश की टाइपिंग किया तो उसकी स्पीड 38 आई, जब हिंदी की टाइपिंग किया तो 20 वर्ड पर मिनट आया कृतिदेव पे, तो चाहते हैं कि फॉन्ट बदले क्या वो, और क्या जॉब बदलना सही है, उसके लिए थोड़ा सा एक मिनट में बता दीजिए। जी देखिए, टाइपिंग के बारे में तो मैंने आपको पहले बताया है कि किस तरीके से बढ़ाएं, किस तरीके से अभ्यास करें, इस पर अगर आप कहेंगे तो मैं एक डिटेल्ड वीडियो जरूर लेकर आऊंगी। जहां तक बात है कि ग्रुप डी की जॉब है उसको छोड़कर, वो आई थिंक लेवल 1 की जॉब है,
अगर उसको छोड़कर आप इसमें आते हैं, क्योंकि कनिष्ठ सहायक लेवल 3 की जॉब है, तो अगर आप ग्रुप डी की छोड़कर सी में आते हैं, तो सिंपल सी बात है कि प्रतिष्ठा ग्रुप सी की जॉब में ज्यादा है। किसी भी विभाग में आप बैठेंगे, बाबू का पद, कनिष्ठ सहायक का पद एक ऐसा होता है जहां उच्च अधिकारी भी जो है अपने कार्यों के लिए बाबू से ही संपर्क करता है। बिल्कुल। तो आप अपने पद की प्रतिष्ठा को खुद ही समझ सकते हैं, और ग्रुप डी की जॉब में किस तरीके की क्या क्या कार्य रहते हैं वो भी आप जानते हैं। तो मेरा पर्सनली सजेशन तो यही है कि आप कनिष्ठ सहायक के लिए जरूर ट्राई करें। और एक बहुत बड़े अधिकारी ने कहा भी था, अगर बाबू चाह ले तो बड़े बड़े अधिकारी को पानी पीना पड़ता है। तो ये बात आप समझिएगा कि बाबू का जो कनिष्ठ सहायक है उनकी कितनी ग्रेविटी होती है, कितनी प्रतिष्ठा होती है और कितनी पावर होती है। तो अगर पावर चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, तो आपके लिए ये ज्यादा बेटर है। मैं फिर भी ग्रुप डी से तो मच बेटर है ना, लेवल 1 से लेवल 3 और हर एंगल से अच्छा है, ये बात अगर बोला जाए तो ये हो सकता है कि सेंट्रल में कुछ अलाउंसेस वगैरह ज्यादा कम मिल जाए, लेकिन कई बार पैसा मैटर नहीं करता है, आपकी पद प्रतिष्ठा और सम्मान भी मैटर करता है। कम उससे कम भी नहीं मिलेगा यहाँ पे, ये मत समझिएगा कि पता लगे बहुत कम हो जाए, 19-20 ही रहता है तो, और लेकिन यहाँ पे बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो ये बहुत सारे प्रश्न हम लोग यहाँ पे प्रिया कवर कर लिए हैं बच्चों के, और उम्मीद है कि बच्चों को इससे फायदा भी मिला होगा। बच्चों अगर अभी भी आप कोर्स से ना जुड़े हो तो कोर्स से जुड़ जाओ, और हम लोग बहुत बेहतरीन आपकी तैयारी करवा रहे हैं, जो मात्र 499 में लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, स्टडी मटेरियल, वैलिडिटी आपकी एग्जाम की डेट तक है, ये तमाम किताबें आपको मिल रही है। कंप्यूटर और यूपी में आपको सबसे ज्यादा समस्या हो रही है, कंप्यूटर के लिए आशीष सर बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं, यूपी स्पेशल बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा है, और आपको सारी ही चीजें आपको बहुत अच्छे से कवर कराई जाएंगी, तो आपको कोई भी दिक्कत महसूस नहीं होगा। तो चलिए सेशन में यही हम लोग एंड किया जाए, फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार, और जो भी आपके क्वेश्चन हो वो कमेंट जरूर करें बच्चे जी, कमेंट जरूर करिएगा, ताकि हम एक तो हम लोगों को भी इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। मुझे लगता है कि अगर मैंने आप लोगों को वीडियो बनाया आप लोगों के लिए, तो आप लोगों ने उसे पसंद किया। बिल्कुल। और अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट जिस चीज पर को लेकर भी आएंगे उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर लेकर। चलिए फिर मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।